हाल कोई भी हो, चुनाव किसी भी प्रदेश में हो रहा हो, एक चीज जो हमेशा रही है वो है ईवीएम हैकिंग। मतदान वाले दिन ये नियम रहा है कि हारने वाली पार्टी ये दावा करती है कि ईवीएम हैकिंग हुई है और आम जनता अपना सिर खुजाती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो इसका जवाब है टेक्निकली हाँ। हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत साल पहले भारत की जनता बैलेट पेपर से मतदान किया करती थी, फिर कहानी में आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। अब ईवीएम को हमने इसलिए इतनी फुटेज दी क्योंकि यहाँ गलतियां होने की संभावना कम थी, लेकिन हमारे देश की जनता ने यहाँ पर भी आखिरकार जुगाड़ निकाल ही लिया। तो कैसे होती है ईवीएम की हैकिंग? ईवीएम हैक करने के दो तरीके होते हैं, पहला वायर्ड हैकिंग और दूसरा है वायरलेस हैकिंग। यानी दोनों ही तरीकों से काम तमाम किया जा सकता है। सबसे पहले वायर्ड हैकिंग से शुरू करते हैं कि वो क्या होता है। सो वायर्ड हैकिंग के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की जाती है। इसके लिए ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसी भाषा में हो जिसमें ईवीएम की माइक्रोचिप की कोडिंग की गई है। भारत में यूज हो रही ईवीएम में अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाता है तो वो ईवीएम मशीन खुद ही काम करना बंद कर देता है, विच मीन्स कि ऐसे हैकिंग पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी इज जीरो, ये वाली हैकिंग आइडिया फेल होती है, इससे हैकिंग नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे वाले मेथड के ऊपर में जिसका नाम है वायरलेस हैकिंग। तो चुनाव आयोग के हिसाब से वायरलेस तरीके से ईवीएम हैक होने के चांस ना के बराबर है। ईवीएम में कोई भी रेडियो रिसीवर नहीं दिया जाता है। हालिया चुनाव में आयोग में लाई जा रही मशीनें वीवीपैट युक्त होती हैं और किसी भी छेड़छाड़ में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इस मशीन में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। हैकिंग आइडिया दूसरा भी फेल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों आइडिया में तो बहुत बड़ा लूपहोल है और इस लूपहोल का फायदा उठाकर हैकिंग इज पॉसिबल, लेकिन नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। तो ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और 5 मीटर की केबल लगी होती है। मशीन को चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसकी कंट्रोल यूनिट वोटिंग ऑफिसर के पास होती है और वोटर्स को वोट डालने के लिए बैलेट यूनिट दी जाती है। वोटिंग ऑफिसर जब तक कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन प्रेस नहीं करेगा, वोटर बैलेट यूनिट से वोट नहीं डाल सकते हैं। एक वोटर सिर्फ एक ही बार वोट डाल सकते हैं। एक बार वोट डालने जाने के बाद वोटर चाहे कितनी भी बार उस बटन को दबा ले, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। वोटर के पसंद के कैंडिडेट के आगे में एक बटन दिया होता है और एक वोट डालने के बाद वो मशीन लॉक हो जाती है। इसके बाद मशीन नए बैलेट नंबर से ही खुलती है। बैलेट यूनिट तब तक काम नहीं करेगी जब तक वोटिंग ऑफिसर इसके लिए परमिशन ना दे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैकिंग। दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ईवीएम मशीन बनाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ईवीएम मशीन माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों को देने से पहले इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला जाता है। एक्सपर्ट्स की पूरी निगरानी में सॉफ्टवेयर की जाँच होती है। मशीन बनाने के स्तर पर गड़बड़ी तभी हो सकती है जब ईवीएम में पहले से ही गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाए। इसकी संभावना भी कम ही होती है क्योंकि कौन सी मशीन किस इलाके में भेजी जाती है और उम्मीदवार का नाम किस क्रम में होगा ये पहले से तय नहीं होता है। वहीं अब ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा जाने लगा है जिससे वोटर्स ने अपना वोट कहां दिया जान सकते हैं। देयरफॉर पॉसिबिलिटी इज अगेन जीरो। हालांकि बीजेपी खुद वो पार्टी है जिसने सबसे पहले ईवीएम मशीन हैक होने की बात की थी और इस मुद्दे को 2009 के चुनाव में जोर शोर से उठाया गया था। साल 2009 में भाजपा ने चुनावी हार का सामना किया था, तब पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए। तब 2010 में नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेटिक एक्ट रिस्क कैन वी ट्रस्ट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की एक किताब लिखी थी। मजेदार बात यह है कि इस किताब की प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। इस किताब की शुरुआत में ये लिखा गया है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक प्रत्याशी को दिया वोट दूसरे प्रत्याशी को मिल गया है या फिर प्रत्याशियों को वो मत भी मिले हैं जो कभी उन्हें डाले ही नहीं गए थे। इस किताब के जरिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने बताया है कि ईवीएम का उपयोग पूरी तरीके से सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए प्रोसेस ईवीएम की हैकिंग की तो वो बिल्कुल भी जीरो पॉसिबिलिटी है, हैक ईवीएम मशीन्स हो ही नहीं सकती है। वहीं ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।